हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आसान राह फॉर यू। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे चैत्र अमावस्या कब है, स्नान दान का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, पीपल की फेरी लगाने का शुभ मुहूर्त और साथ ही जानेंगे इस दिन किए जाने वाले खास उपाय के बारे में। इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार साल में 12 अमावस्या आती है। ज्योतिष और धार्मिक दृष्टिकोण से अमावस्या महत्वपूर्ण होती है। दोस्तों, पुराणों के अनुसार इस दिन पितृ दोष से मुक्ति पाने के लिए विशेष उपाय किए जाते हैं। मान्यता है कि यह दिन तर्पण, स्नान दान आदि के लिए काफी शुभ होता है। दोस्तों, इस साल चैत्र मास की अमावस्या बहुत ही खास है। एक तो अमावस्या के अगले दिन से चैत्र नवरात्रि शुरू है और दूसरा यह अमावस्या सोमवार को पड़ने के कारण सोमवती अमावस्या होगी। दोस्तों, अमावस्या पर सोमवार का संयोग बेहद ही दुर्लभ माना जाता है। तो आइए जानते हैं स्नान दान का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, पीपल की फेरी लगाने का शुभ मुहूर्त और साथ ही जानेंगे इस दिन किए जाने वाले खास उपाय के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं सोमवती अमावस्या कब है। दोस्तों, इस साल चैत्र अमावस्या 8 अप्रैल सोमवार को है। सोमवती अमावस्या शिव पूजा के लिए बहुत ही खास और सुहागन महिलाओं को अखंड सौभाग्य दिलाने वाली मानी जाती है। अब जान लेते हैं सोमवती अमावस्या शुभ मुहूर्त के बारे में। दोस्तों, चैत्र अमावस्या प्रारंभ होगी 8 अप्रैल प्रातःकाल 8:21 पर। चैत्र अमावस्या समाप्त होगी 8 अप्रैल की रात 11:50 पर। पूजा का अभिजीत मुहूर्त होगा दोपहर 12:03 से दोपहर 12:53 तक। दोस्तों, फेरी लगाने का समय होगा सुबह 5:57 से सुबह 7:22 और स्नान दान का शुभ मुहूर्त होगा सुबह 4:39 से सुबह 5:27। अब जान लेते हैं सोमवती अमावस्या पूजा विधि के बारे में। दोस्तों, सोमवती अमावस्या के दिन सुबह मौन रहकर पवित्र नदी में स्नान करने की परंपरा है। कहा जाता है कि इससे पितरों को भी शांति मिलती है। स्नान के बाद सूर्य देव व तुलसी माता को जल अर्पण कर गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। दोस्तों, मान्यता है कि पीपल के मूल में भगवान विष्णु, तने में शिव जी तथा अग्र भाग में ब्रह्मा जी का निवास होता है। अतः इस दिन पीपल वृक्ष के पूजन से सौभाग्य में वृद्धि होती है। दोस्तों, पीपल के पेड़ पर दूध, दही, रोली, चंदन, अक्षत, फूल माला, हल्दी, काला तिल चढ़ाएं। इसके बाद पीपल के पेड़ के चारों ओर 108 बार धागा लपेटते हुए परिक्रमा करें। दोस्तों, इसके बाद घर आकर दान दक्षिणा देकर प्रसाद का वितरण करें। अब जान लेते हैं सोमवती अमावस्या पर किए जाने वाले खास उपाय के बारे में। दोस्तों, सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए सोमवती अमावस्या का व्रत रखकर पति पत्नी को भगवान शिव का कच्चे दूध और दही से अभिषेक कर सफेद मिठाई का भोग लगाना चाहिए। सोमवती अमावस्या के दिन दाम्पत्य जीवन के लिए दोनों पति पत्नी को एक साथ पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, सोमवती अमावस्या के इस खास संयोग में शिव पूजा के समय 21 बिल्व पत्रों पर ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर अर्पित कर दें। इससे आपको अखंड सौभाग्य प्राप्त होगा। दोस्तों, सोमवती अमावस्या की शाम घर के ईशान कोण में मात्र घी का एक दीपक जला दें, जिसकी बाती लाल कलावे की हो। इससे घर में मां लक्ष्मी का वास होने के साथ ही आपको हर कार्य में सफलता की प्राप्ति के योग बनेंगे। दोस्तों, साल में बहुत कम आने वाली इस खास तिथि पर उपवास रखकर चढ़ाई जाने वाली पूजन सामग्री में श्रृंगार के अलावा पति के लिए कोई कोरा कपड़ा या रुमाल रख दें और पूजा के बाद ये रुमाल या कपड़ा उन्हें दे दें। इससे शिव पार्वती का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होता है। हर हर महादेव। दोस्तों, आपको ये वीडियो और जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।